मुंबई की गर्मी दिन ब दिन बढ़ती नहीं जा रही है, क्यों ना मुंबई में लिया जाए कश्मीर के ठंडी ठंडी बर्फ का मजा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड फिनिक्स कुर्ला में, तो आइए चलिए पहुंचते हैं वहां पर, लेट्स गो। मुंबई लोकल पकड़कर आपको पहुंचना है कुर्ला, कुर्ला स्टेशन के ठीक बाहर शेयरिंग ऑटो पकड़कर आपको पहुंचना है फिनिक्स मॉल। तो हम पहुंच गए फिनिक्स मॉल कुर्ला, काफी खूबसूरत दिख रहा है, देख रहे हो मेरे आसपास में काफी जबरदस्त जगह है। तो चलिए पहुंचते हैं लोअर ग्राउंड स्नो वर्ल्ड की तरफ। तो अब हम पहुंच गए हैं स्नो वर्ल्ड फिनिक्स मॉल में। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, हार्डली 20 मिनट्स का ऑटो राइड था, ऑटो वाला ने कुछ 20 रुपीस लिया है और हम पहुंच गए यहाँ पर मॉल पर। तो चलिए लेते हैं टिकट और अंदर एंटर करते हैं स्नो वर्ल्ड में। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हमें टिकट लेना है। तो ये सारे बच्चे भी स्नो वर्ल्ड के लिए आ रहे हैं हमारे साथ, आप एक्साइटेड हो ना सब लोग? ये हुई ना कुछ बात। तो हमने ले लिए स्नो वर्ल्ड की टिकट, टिकट का कॉस्ट है 700 रुपीज़। टिकट कुछ ऐसे दिखती है, अभी बज रहे कुछ 1:15 को अंदर एंटर है और 15 मिनट्स चेंजिंग के लिए है और 1:30 से लेके 2:15 तक का हमारा अंदर का टाइमिंग रहेगा स्नो वर्ल्ड के अंदर स्नो के साथ एंजॉय करने का। चलो लेते हैं अंदर एंट्री स्नो वर्ल्ड के, ये हमारा टिकट है, आपको दिखाना है, आपको दे देना है, दे रही हूँ आपको। अच्छा ओके, थैंक यू मैडम। अंदर एंटर करते ही आपको यहाँ से जैकेट, ग्लव्स और आपके साइज़ के शूज़ यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर आके आप जैकेट, शूज़, ग्लव्स सब पहन सकते हो यहाँ से कलेक्ट करके, और अपने शूज़ यहाँ पर ट्रे में कलेक्ट कर लेंगे, वो फ्री ऑफ चार्ज है। और बैगेज सेक्शन पे भी बैग जो रखते हैं वो फ्री है। थैंक यू। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं स्नो वर्ल्ड के अंदर और हमें अंदर एंटर करते ही ये जैकेट मिला है और ये ग्लव्स मिला है और ये अमेजिंग शूज़ मिले हैं यहाँ से सामने से जैकेट कलेक्शन काउंटर से। तो होते हैं फटाफट रेडी और जाते हैं अंदर स्नो वर्ल्ड के अंदर। ये जैकेट कलेक्शन है, यहाँ से हमने हमारा ये अटायर लिया हुआ है, जैकेट और ये फैंसी शूज़ मस्त दिख रहे हैं और ग्लव्स दिए, अभी पहना नहीं है। बैग यहाँ पे, चार्जेस है कि क्या? यस चार्जेस नहीं है, फ्री है ना, तो ये टोकन है। थैंक यू। एंटर करते हैं अंदर हमारे स्नो वर्ल्ड के अंदर कश्मीर के अंदर, चलिए आइए। तो ये है स्नो रूम का एंट्री, यहाँ से हम अंदर एंटर कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते, क्या जबरदस्त व्यू है, अभी एंटर कर ही रहे, डोर ओपन हो रहा है हमारा स्वर्ग का, क्या खूबसूरत दिख रहा है, जबरदस्त स्नो है नीचे, सुपर। बहुत ठंड लग रही है, लिटरली -10 डिग्री है यहाँ के लोगों ने बताया। और यहाँ पर एक राइड है, ये टायर लेके ऊपर जाना है, ऊपर से स्लाइड करेंगे हम, जाते हैं इसमें, जा सकते हैं ना बॉस, जा सकते हैं ना लेके, थैंक यू। ऑल राइट, हम जा रहे हैं ये टायर लेके ऊपर, भाई कश्मीर तो नहीं जा पाए पर अब हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं यहाँ पर स्नो वर्ल्ड में आके। लिटरली हाँ, मुंह में से धुआं निकल रहा है।
तो चलिए ऊपर जाते हैं हमारे टायर के साथ। बैक साइड बैठना है। कैसा? बैक साइड। उल्टा बैठना है ऐसा? ओके। ये दोनों हाथ से पकड़ लो। एक हाथ में क्या क्या है? तो ये भाई ने बताया कि इसको भाई ऐसा खींच के लेके जाना है। अभी फिर से और एक बार जाएंगे, हमको आया है मज़ा ये राइड में। भाई एकदम ठंडा हो गया, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, पूरा हाथ मेरा फ्रीज हो रहा है। कुछ टाइम में मेरे को ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, लिटरली महसूस हो रहा है -10 डिग्री है यहाँ पर। वैसे ही जैसा बैठे थे वैसे ही ना। और राइड, तो ये भैया बोल रहे हैं अभी कुछ वेरिएशन कर दे नीचे जाने के लिए। नीचे लिटरली पूरा स्नो है, स्नो ये देख रहे हो, पूरा बर्फ है। यहाँ पर स्लेज भी है, आपके बैठेंगे और आपका फ्रेंड यहाँ पे खींच भी सकता है आगे। फुटबॉल भी है भाई, जो एंजॉय। यहाँ पर सुंदर पेंगुइन्स भी प्लेस किए हुए हैं, मस्त लग रहा है भाई। हाथ जैसा एकदम सुनसा हो गया हाथ मेरा। और यहाँ पर एक छोटा सा इग्लू भी है, अंदर चेयर पे आप बैठ भी सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है तो इग्लू में जाके थोड़ा टाइम बैठ भी सकते हो। यहाँ पर स्केटिंग एरिया है, आप यहाँ पर स्केट कर सकते हो। मैडम कुछ बताएगी स्केटिंग एरिया के बारे में। एकदम चिल्ड हो चुका है, लिटरली मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं। ये देखो, एक हाथ में मैंने ग्लव्स पहना नहीं है, एक में लिटरली मेरे को पहनना पड़ा है। एकदम आइस कोल्ड है, आइस कोल्ड। यहाँ पर देखो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे एंजॉय कर रहे हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो कोई वहाँ पर स्लेज चला रहा है, तो कोई यहाँ पर राइड एंजॉय कर रहा है। भाई यहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये रहा वहाँ पर बॉल किक करते हम। ये मैडम को ज़्यादा ठंडी लग गया है, इनके आंखों पर भी बर्फ आ गया है। बोल लो। यहाँ पर बच्चों के लिए भी वही राइड है, बच्चे के तो मज़ा ही हो गई है। आप देख रहे हो एक छोटू खेल रहा है वहाँ पर, देखो मज़ा आ गया उसको। छोटू हाय हाय। भाई वहाँ से हो रहा है स्नो फॉल, भाई पूरा कोहरा ही कोहरा छा गया है, स्नो ही स्नो। आज एकदम फ्रीज हो गए भाई, सब लोग स्नो फॉल का आनंद लेते हुए भाई मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है स्केटिंग एरिया और अब हम यहाँ पर स्केट करने वाले हैं। ये देखो स्केटिंग के स्पेशल शूज़ है और ये मैडम हमें अप्रोच कर रही है।
तो हमने जस्ट अभी स्केट किया, स्केट करने में हम ये सर ने और मैडम ने हमारे काफ़ी हेल्प की है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये घर है और घर के बाहर ये वाइट टाइगर बैठा हुआ है और यहाँ पर स्नो लेपर्ड है और हम घर के अंदर भी जाते हैं। अगर आपको ठंडी कुछ ज़्यादा ही लग रही है तो आप अंदर यहाँ पर आकर बैठ भी सकते हो। बाहर भाई कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा भाई एकदम ठंडा हो गया है, -10 से भी -10 चला गया लग रहा है, काफ़ी सुपर लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। लिटरली ऐसा सर्दी हो जाएगी ऐसा लग रहा है, काफ़ी चिल हो चुका है यहाँ का क्लाइमेट, अब देख रहे हो आसपास में। और ये है हमारे स्नो वर्ल्ड का कैफी, यहाँ पर फूड आइटम्स अवेलेबल है, आइए जानते हैं क्या क्या ले सकते हैं अंदर से। स्नो वर्ल्ड में यहाँ पर कैफे भी है, यहाँ पर हॉट ब्रीवरेजेस सर्व किए जाते हैं, आइए जानते हैं सर से क्या क्या मिलता है यहाँ पर। आपको यहाँ पे हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी और टी और टोमेटो सूप मिलेगा। ओके वाह, इतनी ठंडी में ये गरम गरम चीज़ मिल जाए तो क्या ही कहना। हम यहाँ पर मंगा रहे हैं अपने लिए हॉट चॉकलेट, आइए एंजॉय करते हैं इस ठंडी में, हॉट चॉकलेट का मज़ा लेते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो हमने अभी ऑर्डर किया है हॉट चॉकलेट और यहाँ पर प्रॉपर कैफे टाइप एरिया है यहाँ पर, ये देखिए पीछे। तो हमारा हॉट चॉकलेट आ चुका है, सर लेके आई है, थैंक यू सो मच। ठंडी में लिया जाए हॉट चॉकलेट का मज़ा। भाई सब लोग चले गए, इतना ठंडी लग रहा है कि सब लोग बाहर चले गए, हॉट चॉकलेट का आनंद लेते हुए यहाँ पर स्नो में एंजॉय कर रहा हूँ। वही पता है बाहर जाकर ज़बरदस्त गर्मी है तो यहाँ पर एंजॉय करना तो बनता है बॉस। हमारा 45 मिनट्स हो चुका है पूरा और एग्जिट पे भी काफ़ी यूनिक लिखा है, तो अभी हम चलते हैं कश्मीर से डायरेक्ट मुंबई, वे टू मुंबई। चलो गर्मी की तरफ, फिर से हम आ चुके हैं बाहर। स्नो वर्ल्ड का स्टाफ कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है हमें, आइए उनसे सुनते हैं क्या बोलते हैं वो। थैंक यू फॉर कमिंग सर, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, खास कमेंट सेक्शन में बताइए और आप भी जल्दी ये स्नो वर्ल्ड के लिए जल्दी ही प्लान करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऐसी ही नई वीडियोस आती रहेगी, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।